नीना जी आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में के कार्यालय में। आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठनात्मक जिला है नौशहरा, जिसमें नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट उसके अध्यक्ष मनोनीत होने पर आपको ढेर सारी बधाई, बड़ी बड़ी मुबारक है आपको। मिठाई मैं खिला देता हूं। लो, लो, क्या बात है मैडम, थोड़ी सारी प्रवेश चौहान जी पढ़ता जी, बहुत अच्छा प्रवास चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ श्रीमती नीना शर्मा जी का हम यहाँ इस स्वागत समारोह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रीमती नीना शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है नौशहरा, जिसमें नौशहरा सुंदरबनी और कालाकोट क्षेत्र आते हैं, उनका इस जिले का नीना जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया है। नीना जी बहुत पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पूरा परिवार, परिवार के परिवार हमेशा से ही प्रजा परिषद जनसंघ से काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने हमेशा बहुत मेहनत की है। इससे पहले इनके पास महिला मोर्चा की जम्मू कश्मीर की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के नाते से जिम्मेवारी थी। अलग अलग स्टेट्स में जब भी इलेक्शंस होते थे, कभी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, नीना जी ने हमेशा उन प्रदेशों में भी जाकर काम किया। गुजरात में भी इन्होंने काम किया और मैं दिल की गहराई से श्रीमती नीना जी को बधाई देता हूं और जो पार्टी संगठन ने इनको नई जिम्मेवारी दी है इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है LOC के साथ लगा हुआ सारा क्षेत्र, चाहे नौशहरा हो, सुंदरबनी हो और कालाकोट का भी दूर से दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने में और फहराने में आप जो है कामयाब होंगे। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, बेस्ट विशेस देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नौशहरा जिला के अध्यक्ष बनने से उस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। आपने पहले ही उस क्षेत्र में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा हो या प्रदेश जिला अध्यक्ष के नाते से बहुत काम किया, आज आपको पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई है, ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपको यही आश्वस्त कर देती हूँ कि नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट ये मेरा घर है, तीनों जगह पर मेरा खुद का घर है, तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हमारा परिवार भी भाजपा का बहुत बड़ा हो चुका है वहां पर। अब मेरे ज्वाइन करने से पहले हर घर पर भाजपा का झंडा है, बस उस झंडे को थोड़ा और मजबूती दूंगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जहां पर प्रदेश संभालिए पूरा, तो नौशहरा जिला आपको पूरी तरह से भाजपा में ही तौगा मैं आपको दूंगी। अब आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं थी, मेहनत करने की थी, मेरे को जज्बा है भारतीय जनता पार्टी का, पर अगर ये जिम्मेवारी मुझे मिली है तो मैं दिन दुगनी रात चौगुनी भाजपा की तरक्की हो इसके लिए मैं पूरी निष्ठावान तरीके से कार्य करती रहूंगी हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको बधाई है, मंगल कामनाएं हैं और आप सबको भी ढेर सारी बधाई है, हैं सबको, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, आप सबको ढेर सारी बधाई है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।